इंदौर जिले के महू तहसील के ग्राम बजरंगपुरा में 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे लगभग एक दलित 95 वर्षीय नानोराम की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। कल से ही बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण मृतक नानोराम का शव घर में ही 48 घंटे पड़ा रहा, क्योंकि आजादी के 73 साल बाद भी इस गाँव में दलितों के लिए शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है। यही नहीं, शमशान घाट की भूमि के लिए 2 साल पहले ग्राम पंचायत में भी 3 लाख सरकार द्वारा आवंटित कर दिए गए थे। लगभग एक वर्ष अखिल भारतीय बलाय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में भीमसेना संयोजक संजय सोलंकी के द्वारा बजरंगपुरा में रहने वाले दलित ग्रामीणों के द्वारा शमशान भूमि के लिए आंदोलन किया गया था, जिसमें पूर्व कलेक्टर और SDM द्वारा 3 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 15 दिनों के भीतर अपने गाँव में शमशान तैयार हो जाएगा। आज उस वादे को भी एक वर्ष से अधिक का समय हो गया है, पर आज तक गांव में मृत दिवंगत लोग शमशान को तरस रहे हैं। महू से मनीष स्वामी की रिपोर्ट। कि हमारे परिवार में मृत्यु हुए 48 घंटे हो गए। कल सवेरे 8:30 बजे मृत्यु हुई थी नानू राम जी चौहान की, और कल सवेरे 8:30 बजे से अभी शाम को 3:30 बजे तक हमने शव को हमारे घर में रखा कि पानी बंद हो जाए, बारिश कम हो जाए, किंतु बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी परिस्थिति में हमको उबड़ खाबड़ कीचड़ में चलते हुए इस जगह हमको नदी के किनारे यहाँ पर आके दाह संस्कार करना पड़ा है। बड़ा विहगम दुखद दृश्य है ये, और माननीय इंदौर कलेक्टर से ये मैं पुनः प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस दुर्घटना और इस मामले का अगर पटाक्षेप और हमारी सुनवाई नहीं करते, 24 घंटे के भीतर यहाँ पर डिसीजन चाहिए, अन्यथा पूरा भलाई समाज, संपूर्ण दलित समाज उग्र आंदोलन करेगा, सड़कें जाम करेगा। माननीय कलेक्टर महोदय, इंदौर शहर, मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ।